नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप। आपने ऑयल पेस्टल का थंबनेल देकर वीडियो को क्लिक किया है, इसका मतलब दोस्तों आप ऑयल पेस्टल के दीवाने हैं। मुझे भी ऑयल पेस्टल की हेल्प से ड्राइंग करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम ऑयल पेस्टल से ड्राइंग करते हैं तो उसका कलर जो आता है बहुत ही अमेजिंग आता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं तो आप बहुत ही सस्ते ऑयल पेस्टल का यूज करते होंगे। तो जब आप सस्ते वाला ऑयल पेस्टल का यूज करते हैं तो जो हमारा पेपर होता है वो फट जाता है, यानी कि बहुत ही अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि सिंपली जो हमारा टिश्यू पेपर होता है जब हम उसकी हेल्प से कलर को मिलाते हैं तो वो सही से नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा ज़्यादा उसको ताकत लगानी पड़ती है, तो इस वजह से हमारा पेपर फट जाता है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे ऑयल पेस्टल का रिव्यू करने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये हमारा सॉफ्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये अमेज़ॉन से एक सॉफ्ट ऑयल पेस्टल मंगाया है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं दोस्तों कि आप इसको परचेस ही करिए, अगर आपको पसंद आए तो ही लीजिएगा, नहीं तो आप मत लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस सॉफ्ट ऑयल पेस्टल का रिव्यू करना शुरू करते हैं। आप हमारे हाथों में देख सकते हैं, ये हमारे पास एक है कटर, इसकी हेल्प से हम इसको पहले यहाँ से कट कर लेते हैं। थैले के बाहर जब निकालेंगे तो आपको यहाँ पर ये ऊपर के साइड में एक पॉलीथीन दिखेगा, ये हमारा पॉलीथीन है। जैसे ये थोड़ा सा सॉफ्ट ऑयल पेस्टल है, इसीलिए यहाँ पे जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये दगेगा, आप इसको खेलना चाहते हैं तो खेल भी सकते हैं। अब हम इसको भी यहाँ से ऐसे इस कटर की हेल्प से यहाँ से कट कर देते हैं। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं गैलरी कंपनी का यहाँ पे दिया गया है MOBP 36, और यहाँ पे ऊपर के साइड में कुछ ऑयल पेस्टल की हेल्प से यहाँ पे ड्राइंग बनाया गया है। इसकी क्वालिटी तो बहुत ही अच्छा है, ये प्रोफेशनल लेवल के लिए बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे आपको पीछे के साइड में बॉक्स के जस्ट पीछे यहाँ पे दिखता है स्क्रैपिंग करने के लिए ग्रेडेशंस है, ब्लेंडिंग है, स्ट्रिपलिंग है और ओवरलेइंग कलर्स, यानी कि आप इसको ओवरले एक के ऊपर एक भी कर सकते हैं, स्ट्रिपलिंग भी कर सकते हैं, या कि छोटे छोटे आप ऐसे पॉइंट की हेल्प से ड्राइंग बना सकते हैं। ब्लेंडिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और यहाँ पर ग्रेडेशंस के लिए भी अच्छा है, और स्क्रैपिंग के लिए भी यहाँ पे सारे चीज़ दिए गए हैं। राउंड फुल साइज MOPB सीरीज है, यहाँ पे प्रोफेशनल है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको हर कलर का यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स भी दिखेंगे। और इसकी प्राइस अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ पे आप इसको प्राइस का प्राइस दे सकते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर में दिया गया है 1330, यानी कि 1330 रुपये का है, लेकिन आपको इससे सस्ता भी मिल जाएगा वहाँ पे जब आप देखेंगे। चलिए अब हम इसको पहले ओपन करते हैं, इधर से आप ऐसे करिए, यहाँ से जब आप ओपन करते हैं तो इस बॉक्स के अंदर आपको एक बॉक्स और मिलेगा, यही चीज़ जैसे ऊपर था उसी तरह आपको नीचे के साइड में भी मिल जाएगा। ब्लैक कलर का बॉक्स है, बॉक्स बहुत ही बढ़िया है। अब हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं, जैसे हमारा मिठाई का डब्बा होता है दोस्तों, उसी तरह यहाँ पे ये भी दिया गया है। जब हम इसको हटाएंगे तो आप देखेंगे वाओ, यहाँ पर आपको एक छोटी सी पर्ची भी मिलती है, इसके अंदर दिया गया आर्टिस्ट सॉफ्ट ऑयल पेस्टल, जो सॉफ्ट ऑयल पेस्टल आर्टिस्ट यूज़ करते हैं उनके लिए है यहाँ पर। और यहाँ पे अंदर आपको अलग अलग कलर ये नंबर दिया गया है, 2001 नंबर है, सॉरी 201 है लेमन येलो है, 2002 येलो, 2003 ऐसे पूरा आपका नंबर में दिया गया है, अलग अलग कलर का नाम भी दिया गया है। पूरा सीरीज 72 कलर से यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और इस कंपनी का यहाँ पे और सारे यहाँ पे ऑयल पेस्टल आते हैं, एक बॉक्स के अंदर आता है, यानी कि देखिएगा आप यहाँ पर MOPB 12 है, ये हमने 12 वाला मंगाया है, 24 वाला है, 36 वाला है, ये हमारा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं 36 सीरीज यहाँ पे दिया गया है, और 48 का भी सीरीज आता है, यहाँ पे 72 वाला सीरीज थोड़ा सा लकड़ी के बॉक्स में यहाँ पे पैक करके आता है। यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज भी दिया गया है, यहाँ पे आपको इंग्लिश में पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद इधर भी आपको कुछ नंबर दिया गया है, इसको हम साइड में करते हैं,
जब आप बॉक्स ओपन करेंगे तो ऊपर के साइड में आपको एक यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट सा एक टुकड़ा रखा हुआ मिलेगा। इसको भी चलिए, ये बहुत ही सॉफ्ट ऑयल पेस्टल है इसीलिए ऊपर के साइड में बहुत ही सॉफ्ट यहाँ पे रखा जाता है। इसको भी साइड में रखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर का लुक कैसा है। 36 अलग अलग कलर दिए गए हैं। चलिए हम एक यहाँ पे निकाल के देखते हैं कैसा है। यहाँ पे देखिए गैलरी ऑयल पेस्टल 209 है। 209 आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कौन सा कलर है। 200 देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको इस कलर का नाम भी देखने को मिल जाएगा। इसको अंदर रखते हैं। चलिए यहाँ से भी आपको हम इसको बाहर निकाल के देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसा है। ये देखिए, ये तो नीचे वाला हिस्सा है, ये इसके अंदर पूरा रखा हुआ है। ऑयल पेस्टल और सॉफ्ट ऑयल पेस्टल में डिफरेंट बताने के लिए हम यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। इस साइड हम ऑयल पेस्टल की हेल्प से कलर करेंगे और इस साइड हम, ये हमारा सॉफ्ट ऑयल पेस्टल है, इसकी हेल्प से कलर करेंगे। चलिए कलर करते हैं, फिर हम आपको डिफरेंट बताते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर डिफरेंट दिख रहा होगा, जब आप ऑयल पेस्टल की हेल्प से यहाँ पर कलर करते हैं तो आपको बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा दिखता है और थोड़ा सा इसका जो कलर है थोड़ा हमें हल्का दिखाई देता है। लेकिन जब आप यहीं सॉफ्ट ऑयल पेस्टल की हेल्प से कलर करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका कलर मिक्सर है, जो मिलने का तरीका है, ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको यहाँ पर इस टिश्यू पेपर की हेल्प से इसको ब्लेंड करके भी दिखा देते हैं। जैसे आप इसको जब ब्लेंड करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको ताकत यहाँ पे ज़्यादा लगानी पड़ती है, लेकिन यहीं जब इसकी हम बात करते हैं सॉफ्ट ऑयल पेस्टल की, तो जब आप इसको ब्लेंड करेंगे देखिए बहुत ही आसानी से। और हम आपको यहाँ पर येलो कलर का भी दिखा देते हैं, जब इसको हम यहाँ पे टिश्यू पेपर की हेल्प से मिलाते हैं तो दिखिएगा ये तो मिल गया हमारा, लेकिन जब अब हम इसको जब मिलाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से मिलेगा, ये देखिए, और इसका कलर बहुत ही डार्क है, यहाँ पे आसानी से ओवरलैपिंग भी हो जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से दोनों में ऑयल पेस्टल और सॉफ्ट ऑयल पेस्टल में डिफरेंट दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसका जो मिलने का तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि आसानी से नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें आप ओवरलैप करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से ओवरलैप हो जाएगा। और यही बात करते हैं जब हम इसमें पेंसिल की हेल्प से, जो हमारा डार्क पेंसिल है, इसको जब हम चलाते हैं देखिए कितनी आसानी से, कितना बहुत ही क्लियर यहाँ पे बन रहा है। वही बात करते हैं इसकी, इसमें भी बन रहा है लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से बन रहा है। आपको ये जानकारी पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं हम कोई और कलर की अनबॉक्सिंग करें तो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम वो कलर की अनबॉक्सिंग या जो भी आप हमसे कहेंगे उसकी अनबॉक्सिंग ज़रूर करेंगे।